रिपब्लिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद सिंद्रम। बहुत अच्छी खबर है, बहुत ही गुड न्यूज है। जो लोग सिपाही दरोगा आदि के लिए इच्छुक रहे हैं, एक वर्दीधारी पोस्ट के लिए, एक वर्दी वाला पोस्ट जो चाहिए उन लोगों के लिए जिसमें जुनून है, जो उत्साह है, उन सब के लिए बहुत अच्छी खबर है कि एक बड़े पैमाने पर जो 68,000 पोस्ट की बातें कही गई थी इससे पहले, उसका जो फर्स्ट फेज में 21,000 पोस्ट के लिए 390 पोस्ट सिपाही भर्ती के लिए आ गया है, जिसमें 7,000 से ऊपर सीट महिलाओं के लिए है। तो यह जो ऊपर जो सिपाही चयन पर्षद बोर्ड होता है उसको भेज दिया गया है, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के लिए उनको भेज दिया गया है, रोस्टर आदि की चीजें क्लियर कर ली गई है, तो जल्दी इसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। एक बार हम लोग देख लेते हैं, सामने है बिहार पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी बहाली होने जा रही है और महिलाओं के स्तर पर भी चुकी, इसमें 7,903 पद महिलाओं महिला सिपाही के लिए होगा और टोटल 21,391 सिपाही का पद होगा। तो एक रिकॉर्ड ही है ओवरऑल भी और महिला के संदर्भ में भी, ठीक है। इसमें रोस्टर क्लियर कर लिया गया है और यह केंद्रीय चयन पर्षद जो सिपाही भर्ती के लिए होता है उसको भेज दिया गया है, ठीक है। इसमें 68,360 पोस्ट टोटल है, जिसमें पहली चरण में इतनी की बहाली 21,391 की होगी और 7,000 जिसमें महिलाओं का होगा, 7,000 लगभग 8,000 कह सकते हैं, क्योंकि 7,903 पद महिलाओं के लिए है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। अब देखना है कि इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, आपका एज ग्रुप क्या है। तो सिपाही भर्ती के लिए इसमें जो मिनिमम एज 18 साल होता है, हम सब लोग जानते हैं, 18 से 25 इयर्स होता है जनरल के लिए, लेकिन यही अगर आप ओबीसी के वर्ग में आते हैं, ओबीसी बीसी, तो 18 से 27 वर्ष का एज होता है और एससी एसटी में 18 से 30 वर्ष तक का होता है आपकी। फिर इसके बाद महिलाओं को इसमें रिजर्वेशन दिया गया है, ट्रांसजेंडर को भी दिया गया है, स्पोर्ट्स कोटा को भी रखा गया है, क्षैतिज ग्रुप से जो महिलाओं को दिया गया और 55% रिजर्वेशन है, तभी 21,000 का लगभग 7,900 पोस्ट महिलाओं के लिए यहां पर रिजर्व होगा। तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं इसमें। आप देखिए कि टोटल 75,543 पद सृजित किया गया है, उसी क्रम में 68,000 की बहाली होनी है। इसमें फर्स्ट फेज में 21,391 पोस्ट के लिए प्रोसेस आगे बढ़ चुका है, डिटेल में इसकी विज्ञापन आएगी तो सारी और भी चीजें क्लियर हो जाएगा। बाकी इसमें बहुत सारा डाउट नहीं है टीचर बहाली की तरह, तो आप लोग लग जाइए। जो लोग जो वर्दी के जुनून है, एक पैशनेट है वर्दी के प्रति, बिल्कुल डिले नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम का लेवल टफ होता है। आप हर एक बार आप देखते हैं कि बड़े पैमाने पर 10-15 लाख स्टूडेंट्स भरते हैं, तो कंपटीशन एग्जाम काफी टफ हो जाता है और 21,000 पोस्ट भी आपको कम दिखता है, कम हो जाता है। इसलिए कोई कोर कसर नहीं, बिल्कुल ही लग जाएंगे और रिपब्लिक आपके प्लेटफॉर्म से आपको सारी हेल्प की जाएगी, चाहे वीडियोस क्लासेज हो, स्टडी मटेरियल हो, टेस्ट सीरीज हो, प्रैक्टिस सेट हो, सारी चीजें करवाई जाएगी ऑनलाइन साथ ही ऑफलाइन भी। तो आप आइए, जुड़िए और इसका फायदा उठाइए, जुनून के साथ आगे बढ़िए। एक सीट और जो यूनिफॉर्म है बढ़ती है वह आपके ऊपर होगा आने वाले टाइम में, 6 महीना 9 महीने के बाद। तो डेट्स ऑल, एक शुभकामना के साथ।